तो चलो जी, गुड मॉर्निंग भाई लोग, केम छो, मजा मा? अपन भाई ऑलवेज मजा मा। देखो अभी मैं कहीं राइड पे तो नहीं निकला हूँ, जरा रोड क्रॉस कर लूँ। सबसे पहली बात करेंगे कि भाई देखो, ये छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाने वाला हूँ। यहाँ से मेरे ऑफिस तक का जो सफ़र है वहाँ तक बस, मतलब यहाँ से समझो ना मेरा ऑफिस है 13 से 14 किलोमीटर है। आप सभी भाइयों का भाई बहुत बहुत थैंक यू भाई, दिल से आप लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे 1K कंप्लीट करवा दिए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपको थैंक यू बोलना ज़रूरी है भाई, क्योंकि आप है तो हम जैसे लोग हैं ना भाई। हम वीडियो कितना भी बना ले पर जब तक आप लोग हमें पसंद नहीं करोगे, आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे, तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं है भाई मार्केट में। तो बस इसलिए भाई आपका दिल से थैंक यू, आपने इतना सारा सपोर्ट दिखाया मुझे, आपने मुझे पसंद किया, मेरे वीडियोस को पसंद किया, उसके लिए सही में दिल से थैंक यू। अभी तो है ना भाई हर जगह देखो, ये जो पोल खड़ा है ना, अभी हर जगह इन्होंने सिग्नल लगा दिया है, इतने सारे ट्रैफिक सिग्नल है ना कि पहले मैं यहाँ से ऑफिस सिर्फ मैं 15 मिनट के अंदर पहुँचता था, पर अभी यही टाइम मेरा बढ़ के 35 मिनट का हो गया है बिकॉज ऑफ सिग्नल। भाई हर जगह सिग्नल है, हर जगह रुकना पड़ता है, और इतने सारे पुलिस वाले हो गए ना भाई आजकल तो। और हाँ भाई, पहले जो बात की चर्चा करनी है वो कर लेते हैं। आप बताओ, आप कमेंट करके बताओ कि मेरी जो वॉइस है ना, मेरा जो ऑडियो क्वालिटी है ना, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर आपको अभी मेरा ऑडियो क्वालिटी पहले से बेटर लग रहा है ना, तो उसका मेन रीज़न है अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ सोनी का लेवेलियर माइक। भाई ये माइक बहुत तगड़ा माइक है भाई, बहुत धासु माइक है ये। इसे लगभग 1700-1800 के आसपास मिल जाता है, थोड़ा टाइम पहले 2000 का था, अभी उसका प्राइस घट के 1700 के आसपास मिल गया है, और अमेजोन ऑफ़र में तो शायद वो 1500-1600 में ही मिल जाता है। मैंने अभी तक ये ख़रीदा नहीं है, ये मेरे एक फ्रेंड का है, तो उनसे मैंने यूज़ करने के लिए लिया है थोड़े दिन के लिए, कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा है सही में, इसकी वजह से मुझे मेरा ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव होता है कि नहीं होता है। अगर ये इम्प्रूव हुआ भाई, मेरा कैमरा हाँ चालू है, अगर इससे मेरा ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव हुआ ना भाई, तो ये माइक मैं ख़रीद लूँगा, क्योंकि भाई मोटो व्लॉगिंग में है ना कि अपना कंटेंट जितना अच्छा होना चाहिए ना, उसके साथ साथ अपना ऑडियो क्लियरिटी तो भाई होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ऑडियो क्लियरिटी अच्छी नहीं हुई ना, तो भाई पूरा वीडियो बकवास लगता है, मतलब पूरा वीडियो का जो मज़ा है ना वो नहीं रहता, इतना प्रोफेशनल भी नहीं लगता और अच्छा भी नहीं दिखता। तो इससे बेटर है कि अगर आपको करना ही है तो थोड़ा बहुत तो और इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना भाई। तो मैंने अभी तक इन्वेस्ट तो नहीं किया है, ये अपने फ्रेंड का माइक है, थोड़े दिन यूज़ करूँगा। हाँ भैया तू पहले हॉर्न मार ले भाई। ये देखो भाई, पुलिस वाले भाई लोग फाइन पे फाइन मार रहे हैं भाई। भाई साहब थोड़ी फट रही है भाई, क्योंकि देखो भाई सब भाजू पुलिस वाले फाइन मार रहे हैं, और अगर आज मुझे पकड़ लिया ना भाई मेरी लग जाएगी, क्योंकि मैंने फिलहाल हाँ चलो सिग्नल छूट गया, भागो 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 भागो। अगर अभी मुझे कोई पकड़ लेगा ना भाई, तो सही में मेरी बैंड बच जाएगी, क्योंकि मेरे पास अभी मेरा इंश्योरेंस जो है एक्सपायर हो चुका है। हाँ चलो अपन बात करते हैं अपने माइक के बारे में। तो मैं जो मोनो का माइक यूज़ करता हूँ वो बहुत अच्छा है वैसे तो, मैं चाहता था कि भाई मैं अपना ऑडियो है ना थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड के पास जो ये माइक देखा तो मैंने उनसे थोड़े दिन के लिए लिया है, अभी देखता हूँ ये यूज़ करके देखता हूँ, अगर अच्छा क्वालिटी इससे मुझे लगा कि भाई मेरा वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया है, तो फिर अपन ये माइक ले लेगा। थोड़ा महंगा है भाई 2000, वैसे 2000 इतना महंगा भी नहीं है, मैं ख़रीद सकता हूँ 2000 का माइक तो आराम से, पर वो क्या है ना यूज़ होना चाहिए भाई, मतलब वो चीज़ वर्थ लगनी चाहिए। अभी पता नहीं, आपको तो अभी पता चल जाएगा, मैं अभी एडिटिंग करने बैठूँगा तब मुझे पता चलेगा कि सही में इसमें ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव होती है कि नहीं। तो मैंने है ना यूट्यूब पर, वैसे मैंने सोनी के माइक के बारे में वीडियो देखे, मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे, और उसमें भाई मैंने इनका जो रिव्यू देखा है ना भाई, सही में बहुत बढ़िया है, और रिव्यू के हिसाब से मैंने कुछ वीडियो देखे ना, तो उसमें तो वो भाई 100, 110, 120 की स्पीड में बाइक चला रहे और फिर भी अच्छी सी क्लियरिटी से बात कर रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अपन वैसे इतना स्पीड में गाड़ी चलाते नहीं है कभी, पर वो क्या है ना कभी कभी विंड ब्लास्ट मिलता है ना, तो विंड ब्लास्ट की वजह से मतलब वो ही विंड 60-70 की स्पीड में अगर हाईवे पर गाड़ी चलाओ ना, तो कभी कभी वैसा ही विंड ब्लास्ट मिलता है जैसा 100-110 की स्पीड में जब अपने गाड़ी चलती है उस टाइम पर,
तो उस टाइम में है ना भाई पूरे ऑडियो की बैंड बज जाती है, मतलब अपन क्या बोल रहे हैं किसी को कुछ समझ ही नहीं पड़ता। तो बस ये मेन रीज़न है कि मुझे मेरा माइक चेंज करना है। तो आप मुझे बताना भाई कि ये माइक का क्वालिटी कैसा है, मतलब आपको ये कैसा लगा। तो मैं ये मिनी ब्लॉग जो बना रहा हूँ ना, बस ये दो ही रीज़न की वजह से बना रहा हूँ। पहला रीज़न यही कि भाई मुझे आप सबको थैंक यू बोलना था कि आपने मेरे 1K करवा दिए। बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो तो आपके भाई के 10K भी हो जाएंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी हो जाएंगे। ये तकलीफ है भाई, फंसा देते हैं लोग। सही है सही है, वाह थैंक यू मैडम, आपकी वजह से मैं निकल गया। हाँ तो मैं अभी थोड़ी सी गाड़ी का स्पीड अप करता हूँ और देखता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। अभी मैं 80 की स्पीड में, तो वैसे यहाँ चलाना नहीं चाहिए भाई, ये सिटी का मेन एरिया है। नहीं छोड़ो, अभी आज अपन इतना स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएगा। बस खाली आप मुझे बता देना कि मेरे ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी लग रही है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर पर्टिकुलर। ये तो एक शॉर्ट वीडियो बस खाली इसीलिए बनाया था कि बस अपने को खाली आप लोगों से बात करनी थी, आप लोगों को थैंक यू बोलना था, आप लोगों का दिल से शुक्रिया करना था। तो बस ये मेन रीज़न मेरा यही था वीडियो बनाने का। अरे दोनों में से एक जन तो आगे निकल लो भाई। आप लोग कमेंट करके मुझे इतना सा खाली ज़रूर बताना कि मेरा ऑडियो क्वालिटी पहले से ज़्यादा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं। मुझे मेरे हिसाब से तो लगना ही चाहिए कि ये भाई सोनी का माइक है भाई, सोनी कुछ कम नहीं है। और भाई 2000 का इसका प्राइस है, तो मतलब ऐसे ही तो किसी ने 2000 प्राइस रखा नहीं होगा ना। तो खाली बस आप लोग इतना सा बताना कमेंट करके कि भाई ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, 2-4 दिन का जब जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊँगा, सोनी के माइक के बारे में वीडियो बनाऊँगा। और दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि मैं इसको कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास 3 माइक पड़े हुए हैं, मेरे पास बोया का माइक भी पड़ा हुआ है, मेरे पास मोनो का माइक भी है, सोनी का जो माइक है ये भी फिलहाल मेरे पास ही रहने वाला है। तो मैं तीनों माइक का एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा और मैं इसका डिटेल रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि भाई देखो कौन सा माइक आपके लिए बेस्ट है और आपको कौन सा माइक परचेज करना चाहिए। और हाँ, फरवरी महीने में मैं एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ। आई थिंक शायद मैं यहाँ से राजस्थान जाने वाला हूँ और वो लगभग मैं 4-5 दिन की राइड होगी मेरी। तो उससे पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें और अपग्रेड करनी है, मतलब मुझे मेरा मोटर ब्लॉगिंग सेटअप है उसके अंदर थोड़ा और इम्प्रूव करना है। दूसरा कि मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा कस्टमाइज़ कराऊँ और उसको रैपिंग वगैरह करके थोड़ा चेंज करूँ, उसका वाइज़र जो है वो बड़ा डालूँ, साथ में साथ में यहाँ मोबाइल होल्डर जो यहाँ पर जो आता है मुझे वो डालना है। तो राजस्थान जाने से पहले भाई अपने गाड़ी में बहुत सारा नया नया कस्टमाइज़ कराएंगे अपन, और वो कस्टमाइज़ में जो जो कस्टमाइज़ नया करने वाला हूँ, जो जो मैं मॉडिफाई अपने गाड़ी में नया करूँगा उसका पूरा वीडियो बताऊँगा। छोटे छोटे मतलब 15-15 मिनट के व्लॉग तो मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि वो डेली व्लॉग वाला सिस्टम यार अपने को तो नहीं जमता है फिलहाल। तो हर किसी को वो पसंद नहीं आता है ना, तो वो कॉन्सेप्ट फिलहाल अपन नहीं करेंगे। अपना ट्रैवल व्लॉग का कॉन्सेप्ट है, अपन उसी पर फोकस करेंगे। पर ये क्या है ना, ये कस्टमाइज़ का जो है ना वो भाई मतलब वो मैं इसीलिए बनाना चाहता हूँ, अगर आपको भी इन फ्यूचर आपकी बाइक में कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना है तो शायद थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इसकी वजह से मैं अपनी गाड़ी में जो भी कस्टमाइज़ करूँगा मैं तभी उसका व्लॉग बनाऊँगा, छोटा सा 5-6-7-8 मिनट का व्लॉग बनाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा, बट वो मैं बनाऊँगा। और उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा कि भाई कौन सी चीज़ आप कहाँ से कैसे मैंने परचेज़ की है और कैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया है, तो वो आप भी कैसे कर सकते हो, तो उस चीज़ के बारे में अपन बनाएंगे, ठीक है ना। और मैं अपनी गाड़ी में और क्या नया करूं, अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो भाई बिंदास दो। हाँ मैं तो चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करो और मुझे हर चीज़ के बारे में सजेशन दो, मेरे मोटर व्लॉगिंग सेटअप के बारे में दो, मेरे वीडियो के कंटेंट के बारे में मुझे सजेशन दो, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपना मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसके अंदर मैं क्या नया इम्प्रूव कर सकता हूँ उसके बारे में आपको मुझे कमेंट में कुछ बताना है तो भाई बिंदास बताओ, आप मुझे सही सजेस्ट करोगे ये मैं 100% जानता हूँ। तो बस अभी देखो ये ब्रिज ख़त्म होते से अपना ऑफिस आ जाएगा। तो बस आज का वीडियो अपन इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये छोटा सा एक मिनी व्लॉग था। बस अभी मैं फिर से आपको एक बार थैंक यू सो मच बोलता हूँ भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना, ठीक है। अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण।